वेलकम टू निक्स वी टीवी। आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये अभी हमने लेटेस्ट इसे फ्लिपकार्ट से बाई किया है और इसका रेट 12990 पड़ा है। इसका MRP 14490 है और ये हमने अभी 12290 में बाई किया है। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। ये सबसे ऊपर इसके साथ ये है बैक कवर और इसके साथ हमें मिलते हैं मैनुअल और इसमें गारंटी कार्ड एंड मैनुअल दोनों होंगे। और इसमें इसी के अंदर यहाँ पे इसकी पिन है जिसमें हम सिम कार्ड लगा सकते हैं। और ये फ़ोन देखते हैं अभी। ये फ़ोन है, इसके पीछे ये है और हमें बॉक्स में मिलता है एक चार्जर और एक USB केबल। इसके बॉक्स में सिर्फ इतना ही है। अब चलिए मोबाइल को बूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये मोबाइल कैसा है। पहले एक बार इसे फुल चार्ज करना मैं सजेस्ट करूंगा। सब लोग पहले इसे फुल चार्ज कर लीजिए, उसके बाद ऑन करिएगा। मैं भी इसे अभी 5 मिनट के लिए बूस्ट चार्ज करता हूँ, फिर उसके बाद इसे ऑन करता हूँ। इसके फीचर्स जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। इसके 6.3 का डिस्प्ले है जिसमें 1080x2340 पिक्सल्स है। इसके बैक में ड्यूल कैमरा है, एक 16 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ वाला, और एक फ्लैश है। और पीछे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और फ्रंट में भी इसके कैमरा है जो कि 16 मेगापिक्सल का ही है। और इसकी स्क्रीन क्वालिटी जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सही है, पूरा एकदम आईफोन का आपको लुक देगा, पूरी फील देगा। और इसकी बॉडी भी काफ़ी शाइनी है और अच्छी है। और ये ब्लैक वर्जन है, इसके 2 वर्जन और आते हैं, एक ओशन ब्लू आता है और एक नॉर्मल ब्लू आता है। तो फिलहाल तो हमने ये वाला वर्जन लिया है। और इसमें 4G है, सपोर्ट करता है, सारी बैंड है 4G की अवेलेबल है। ड्यूल सिम 4G है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक सिम 4G चल रही है और दूसरी सिम 2G पे है। दोनों सिम इसमें 4G में रहेंगी। और इसमें GPRS एंड एच दोनों सपोर्ट करता है। और यह सितंबर 2018 में अनाउंस हो गया था और अक्टूबर से मिलने लग गया है। इसका वेट देखा जाए तो 176 ग्राम का इसका वेट है। बॉडी इसकी प्लास्टिक है और इसका जो डिस्प्ले है वो IPS LCD टाइप है। और इसकी 16M कलर्स है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84% है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे फोन में कॉर्नर तक आपको स्क्रीन मिलेगी, ऐसा नहीं है कि खाली जगह जा रही है, इसमें पूरी जगह पे आपको स्क्रीन मिल रही है। और इसका ग्लास जो है वो गोरिल्ला ग्लास 3 है। अगर आप टेम्पर लगाएं तो बेटर है, ना लगाएं तब भी चलता है, पर टेम्पर लगाना सजेस्ट करूंगा कि लगा लीजिए। और इसका जो प्रोसेसर की बात की जाए इसमें, तो इसमें स्नैपड्रैगन 660 है जो कि सबसे फास्टेस्ट है। इस रेंज के मोबाइल में ऐसा प्रोसेसर होना काफ़ी सही चीज़ है। और इसकी जो इंटरनल है वो 64GB है, इस वर्जन की 64 है, वैसे इसमें 128GB तक के आते हैं। और जैसे कि कैमरे की बात आपको बता चुका था, इसमें 16 मेगापिक्सल का 1.7 फोकस का लेंस लगा है। और इसमें LED फ्लैश भी है बैक में। और इसके कैमरा के फीचर्स में HDR भी ले सकते हैं और वीडियो हमारी फुल HD में रिकॉर्ड होंगी। और इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक भी है जो कि जनरल बेसिक है। और इसमें ब्लूटूथ का एक नया वर्ज़न आया, मतलब पहले 4.0 था, इसमें 5.0 है। और आजकल के जैसे ये मोबाइल है उसमें ओनली फेस अनलॉक आ रहा है, फिंगरप्रिंट वो हटा रहे हैं, पर इस मोबाइल में उन्होंने दोनों को जगह दी है। इसमें हमारा फेस अनलॉक भी है, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी होगा। और इसकी जो बैटरी है वो 3500 mAh है, जबकि लग रहा है कम है, पर इसके यूजर्स ने बताया है कि ये बैटरी इसकी काफ़ी वन डे यूज में सपोर्ट कर जा रही है। और जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ColorOS है, ColorOS 5.2 वर्जन है, जैसे कि इसमें हम अबाउट फोन में देख सकते हैं कि इसका कलर वर्जन 5.2
है। और इसके बाद प्रोसेसर इसमें 660 ऑक्टा कोर है, रैम 4 GB है, इंटरनल 64 है और बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। और एंड्रॉयड इसमें देखा जाए तो एंड्रॉयड ओरियो 8.1 है। तो ये मोबाइल काफ़ी ही अच्छा है, आप इसे एक हफ्ते एक महीने बाद तक यूज़ करते हैं तब उसके आपको बाद बताया जाएगा कि इसके डिवाइस रिव्यू कैसा है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो आपको सही लगे तो शेयर करिए। और Realme 2 Pro ले रहे हैं अगर आपका बजट 13 तक है तो यह फ़ोन लेना बेस्ट रहेगा इस रेंज में। ओके।